बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया। बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के, रूम झूम, रूम झूम, रूम झूम, रूम झूम, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के। अति मन भावन आयो सावन, अति मन भावन, रूम झूम के, रूम झूम के, कोरियलिया गावी कजरिया, रूम झूम के, कोयलिया गावी कजरिया, रूम झूम के बरसन लागी बदरिया, रूम झूम के, रूम झूम के, रूम झूम के। वाह क्या बात है, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक यू। कितना अच्छा गाया आपने, मतलब माहौल संगीत में हो चुका है। जी बिल्कुल, माहौल हमेशा संगीत में ही रहना चाहिए, रहना भी चाहिए, और माहौल के साथ साथ दिल भी संगीत में होना चाहिए। बिल्कुल, दिल संगीत में ही होना चाहिए, दिल से संगीत निकल कर जी, संगीत हमेशा निकलता दिल से ही है। हाँ, एक दिल से निकल के दूसरे दिल को जाके छूता है। क्या बात है, क्या बात है, और आप क्या बात है, मतलब कितनी ग्रेसफुल प्रेजेंस है आपकी, और इतना अच्छा लग रहा है, मतलब देख के संगीतमय, प्रफुल्लित, जितने भी भारी-भरकम शब्द है ना हिंदी के सारे आज मुझे याद आ रहे हैं। और आपके इंट्रोडक्शन के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, जी जी। क्या मैं उन्हें अर्ज करूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि सुर है, साज है, वीणा है, नाद है, गले में जिनके माँ सरस्वती का वास है, ऐसे हमारे प्यारे से मेहमान का हमारे स्टूडियो में देश रोजाना, रेडियो रोजाना पर सादर सत्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका, आपके चैनल का। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, दिस इज माय प्लेजर कि मुझे आज यहाँ पे आने का मौका मिला है। इवन माय प्लेजर टू, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा नाम भूमिका और आपका नाम लक्ष्य, और क्या बात है, दोनों ही संगीत में, कुछ तो एक साथ मिलके भी क्रिएट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके इंट्रोडक्शन के लिए मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे लगता है कि कलाकार का कभी कोई परिचय हो भी नहीं सकता जी। कलाकार का परिचय ये कि वो कलाकार है, और उससे बढ़ के उसको उपाधि और कोई दी भी नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी क्योंकि बताने वाली बात है, तो मैं बताना चाहूँगी कि आप DU में SOL में इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर हैं, और बचपन से ही आपने संगीत सीखना शुरू कर दिया, माहौल संगीत में घर का था, और भी ज़्यादा उसको संगीत में बना दिया। जी साथ ही साथ आपने ऑल इंडिया रेडियो में भी परफॉर्म किया है, और क्या क्या अचीवमेंट आपने इस उम्र तक हासिल कर लिए, थोड़ा सा हमें और बताएं इस बारे में। जैसा कि आपने कहा कि कलाकार जो है वो सीमित नहीं होता है, नहीं। कलाकार के अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज होती है, बहुत सारी आइडियोलॉजीज होती है, उसका पर्सोना ही डिफरेंट होता है। तो हमें ये लगता है कि हमें क्यों एक जगह पे अपने आप को कन्फाइंड, रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए, जब आप अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और हमें हमेशा हमारे माइंड में ये रहता है कि हम नहीं, हमारा एकेडमिक्स और हमारा म्यूज़िक, हमारा पैशन, दोनों साथ साथ नहीं चलते रहते हैं। तो ये चीज़ आज हमें चेंज करनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी हॉबीज़, अपने पैशन को और अपने एकेडमिक्स को कैसे साथ लेके चल सकते हैं। और वही कि मैंने शुरू से ही, बचपन से ही म्यूज़िक सीखना स्टार्ट कर दिया था एज अ हॉबी, ऑब्वियसली।
मेरे घर में ऐसा म्यूज़िक का कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली कि मेरे फादर ने मुझे उसमें उस चीज़ में लेके आए, मुझे सिंगिंग सिखाना स्टार्ट करवाया, क्योंकि उनका मेरे से ज़्यादा, आई बिलीव कि उनका मेरे से ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट, वो मुझे इस फील्ड में लेके आए. दैट टाइम आई कि माई लाइफ वॉज कम्प्लीटली चेंज. मुझे ये चीज़ पता लगी कि कितनी वास्ट फील्ड है, देयर इज अ होल वाइड वर्ल्ड. इन सब चीज़ों से, एकेडमिक्स से बाहर, देयर इज अ वर्ल्ड दैट वी हैव टू ड्वेल्व इनटू. तो वहाँ से बचपन से ही वो चीज़ स्टार्ट हुई, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो कॉलेज टाइम में ज़्यादा मुझे मेरे जो गुरु हैं, आई बिलीव कि हमारे टीचर्स हैं जो हमें उस फील्ड में हमारा कितना इंटरेस्ट रहेगा, और हमें टीचर्स हमेशा याद रहते हैं. तो मेरे जो गुरुजी हैं पंडित भोलानाथ मिश्रा जी, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, अपने इतने एफर्ट्स दिए. आई नो कि मैं कैसे उनके पास गई थी और मेरी क्या हालत, मतलब मैं कैसे उनसे सीखने के लिए गई थी कि आप प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए, और उन्होंने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट दिया. और जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स एंड हिज इटर्नल लव एंड कंडीशनिंग टुवर्ड्स अस, तो उसी वजह से आज मैं बस जिस लेवल पे हूँ, जैसा गा पा रही हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ हिज उनकी ब्लेसिंग है. यस, और मुझे लगता है कि जब किसी शिष्य को एक गुरु का साथ मिल जाता है, उनका मार्गदर्शन मिल जाता है, तो फिर जो शिष्य की राय है वो पूरी तरह से खुल जाती है. जी बिल्कुल. गुरु हमारे लाइफ में बहुत इटर्नल रोल प्ले करते हैं. yes. क्योंकि हमें बचपन से ये याद रहता है कि हाँ, हमारी वो टीचर थी जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, वो सिखाया कि वो हमें कितने अच्छे से पढ़ाती थी. हाँ. उसकी थियोरीज मुझे आज तक याद है. तो आई बिलीव कि टीचर्स का जो रोल होता है हमारी लाइफ में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी फैमिली के बाद हमारे टीचर्स होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि हमें हमारे स्टूडेंट्स हमसे ज्यादा आगे बढ़ने चाहिए. बिल्कुल जी. तो एक तो पेरेंट्स हो गए हमारे जीवन में, और एक टीचर हो गए जिनका हमारे जीवन में काफी ज्यादा सपोर्ट और रोल रहता है हमें आगे बढ़ाने के लिए. और आप इतना ब्यूटीफुल गा रही हैं, साथ ही साथ आप प्रोफेसर भी हैं ओबे इंग्लिश की. तो मतलब कैसे होता है बिगनिंग विद, मतलब आपकी जर्नी के साथ अगर मैं कहूँ तो, कैसे शौक पैदा हुआ गाने की ओर, आपका रुझान कैसे जागृत हुआ गाने की तरफ? रुझान बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर को ज़्यादा शौक था म्यूज़िक का, तो उस टाइम पे मैंने बस एज अ हॉबी की, हाँ मुझे गाना सीखने को मिल रहा है, एज अ हॉबी बस मैंने स्टार्ट किया थोड़ा बहुत सीखना समझना. और उस चीज़ को मुझे एक्चुअली समझने में, जो होता है ना कि हम म्यूज़िक को समझने में हैं, उस समझने में ही आपको इतना टाइम लग जाता है कि आपका, इफ़ यू हैव नो फैमिली बैकग्राउंड ऑफ इट, तो आपको उस चीज़ को समझने में इतना टाइम लग जाता है कि व्हाट At least happening around me, how, you know, not just to sing, it is completely different कि आप सिर्फ गा रहे हो, it is something different कि आप उसमें अपने आप को सौंप चुके हो. तो उसमें हो जाना बिल्कुल. तो वो बचपन से स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे जब कॉलेज स्टार्ट हुआ, कॉलेज के टाइम में पंडितनाथ मिश्र जी सीखना शुरू किया, उन्होंने जो जितने साल हमें दिए हैं, अपने स्टूडेंट्स को दिए हैं, मुझे दिए हैं, तो उनकी टीचिंग्स की वजह से ही आज मैं इस लेवल तक गा पा रही हूँ. और उसके साथ साथ जो एकेडमिक्स में यह है कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से था, मुझे पता था कि आई लव लिटरेचर. आई बिलीव कि लिटरेचर एंड म्यूज़िक आर नॉट वेरी डिफरेंट, वो काफ़ी आपस में मिले हुए हैं काफ़ी मिले हुए हैं. तो आई मीन म्यूजिक इज जस्ट अ पोइट्री अंटिल कम्पोज. बिल्कुल. हाँ, तो उस चीज़ को कि पोइट्री को आप कंपोज कर रहे हो जब जाके उसको, मतलब राइमिंग के अंगीत की तरह से पेश कर, आपको पोइट्री को रिदम दे दी है और वो म्यूजिक में कन्वर्ट हो गई है, आपको आपने कंपोजिशन दे दी और वो म्यूजिक में कन्वर्ट हो गई है. तो बस यही चीज़ कि कैसे आप म्यूजिक के बारे में, कहाँ से आपने सीखा, आपने, आप देखोगे चाइल्डहुड में अगर सीखा है, वहाँ से अब तक आप किस लेवल पर आ गए हो, कितना आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई है म्यूजिक को लेके, और कितना आपने ग्रो किया है पर्टिकुलर फील्ड में. और मुझे लगता है कि म्यूजिक तो वैसे भी सबसे ज्यादा इन डेप्थ चीज है जिसमें घुसने में आपको बहुत 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 टाइम लग जाता है, या फिर पूरा लाइफ टाइम ही कम पड़ जाता है. तो आपने बताया कि जैसे कि आपके परिवार में, मतलब बचपन से एक म्यूजिकल माहौल मिला आपको, और उसके बाद में आपने इतना मतलब सीखा अपने गुरुजी से, और उनकी ब्लेसिंग है जो आप यहाँ पर इस मुकाम पर है. और मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि आप इसी तरह से आगे मुकाम को छूते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे जाते रहें. और इसके अलावा मुझे पूछना है कि कैसे, मतलब होता है ना कि जब अगर मेरा इंटरेस्ट एक चीज़ में है, मैं अगर पढ़ाई में, मतलब मैं गाने में ही हूँ, मैं संगीत के में हूँ, संगीत की छात्रा हूँ,
तो फिर अचानक से टीचिंग का बीच में इंटरप्शन कहूँ या फिर इसको भी एक नया शौक कहूँ, क्या कहूँ? I wouldn't say it interruption क्योंकि ये मेरे जॉब के साथ ये तो है। हाँ, जॉब मेरे इंटरप्शन, वो इंटरप्शन जॉब में नहीं आएगा। हाँ, तो वो इंटरप्शन मैं उसको नहीं कहूँगी। हाँ, ये था कि यू नो हमें लगता है कि अगर कोई आर्टिस्ट है, अगर हम आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम ना ऐसे डिस्टिंक्शंस बना देते हैं कि या तो वो एकेडमिक्स में ही अच्छा होगा या फिर वो आर्टिस्ट में ही अच्छा होगा। हाँ, कि कोई एक चीज में ही आप अच्छे हो सकते हो और हम उनको ऐसे डिस्टिंक्ट कर देते हैं। तो इट इज़ कि क्यों, यू नो आई हैव ऑलवेज एम्ब्रेस्ड ड्यूअलिटी कि आप वाई कैन यू नो बी बोथ, कि आप दोनों क्यों नहीं हो सकते हो? Why can you not be smart and an artist? कि आप दोनों क्यों नहीं हो सकते हो? चलो आप अपनी फील्ड में इतना कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, लेकिन अगर आपका कोई और पैशन है, आप बहुत पैशनेट हो, यू वॉन्ट टू बी अ टीचर, आपको लगता है कि आप वहाँ पे यू नो टीचिंग इज कि आप एक स्टेज है, वहाँ पे भी आप परफॉर्म कर रहे होते हो स्टूडेंट्स के सामने। ये तो कहा जाता है ना कि टीचिंग टीचर इज एन आर्ट, टीचिंग इज एन आर्ट एंड टीचर इज एन आर्टिस्ट, राइट? तो टीचर इज एन आर्टिस्ट। तो आप वहाँ पे स्टेज पे हो, अपने स्टूडेंट्स के साथ में हो, आपका जो इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ, आपका इंटरेक्शन है, आप एक स्टेज पे हो, आप उनको सिखा रहे हो, आपका एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है। एंड सेम हैपेंस इन द केस व्हेन यू आर परफॉर्मिंग समथिंग। तो आप परफॉर्म कर रहे हो, यू आर एट द स्टेज, यू आर इंटरेक्टिंग विद योर ऑडियंस, आप उनकी तरफ देख रहे हो, आप उनको अपनी बात सुना रहे हो। इट इज़ नॉट कि आप बस सिंगिंग कर रहे हो, सिर्फ गा रहे हो, इट इज़ कि आप उनको अपनी बात समझा रहे हो उनके तक पहुंच। हाँ, तो इफ वी सी इट, वी इफ वी रियली लुक इनटू इट, दे आर नॉट सो डिफरेंट एट ऑल, है ना? कि वो साथ में लेके हम दोनों चीजों को चल सकते हैं, जब तक हमारे माइंड में ये है कि हाँ हम कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट वाली बात हो गई। और तो शौक और पैशन और टीचिंग सब कुछ आपका मतलब आया। मैं चाहूँगी कि और भी शौक यू नो मतलब इंसान के जितने अंदर भी मन में जो जो है वो सब निकल के बाहर आना चाहिए। और आर्टिस्ट ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और हर फॉर्म में वो जो आर्ट है आपकी निकल के आने चाहिए। और अगर मैं ये पूछूँ आपसे यहाँ पर कि कोई ऐसा चीज़ मतलब कोई ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाना है अपने लिटरेचर का विद म्यूज़िक, संगीत का एक सहारा लेते हुए, तो वो क्या चीज होगी? यू नो हमारे लिटरेचर में देयर इज अ पार्ट जहाँ पे हम थिएटर पढ़ाते हैं, ठीक है, लिटरेचर एंड थिएटर। तो हमारा अब थिएटर है, थिएटर इज अ फॉर्म जहाँ पे आपका म्यूजिक आता है, जहाँ पे आपके डायलॉग्स आते हैं, जहाँ पे आपका इंटरेक्शन होता है, देयर इज अ प्ले, तो आपका ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, यू आर सिंगिंग और यू हैव रिदम। तो वहाँ पे थिएटर में अगर आप अपनी चीज़ समझा रहे हैं किसी को, सपोज आई एम टू टेल समवन कि आप मेरी आंखों में बस गए हो, आई एम टीचिंग अ पोइट्री, ठीक है, कि आप मेरी आंखों में वो चीज़ कि आप वी नॉर्मली से कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू या मुझे आप काफ़ी पसंद हो। एंड इन म्यूजिक देयर आर न्यूमरस सॉन्ग्स जिसको हम उसको म्यूजिकली अगर हम एक चीज़ को बोल रहे हैं कि निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया वो है मिलता तुमसे हूँ बहू, तो कितना डिफरेंस आ जाता है उस चीज में जो आप चीज एक नॉर्मली बोल के बता रहे हो और वही चीज आप उस चीज को गा के बता रहे हो, कितना इफेक्ट हो जाता है, कहाँ कितना चेंज हो जाती है चीजें। तो इस तरह से दोनों चीजें अपने आप में काफी ज्यादा लिंक करती हैं। बिल्कुल, और कुछ भी अलग नहीं है मतलब। और म्यूजिक तो हर एक जगह बसता है, दिल दिल में बसता है, कण कण के अंदर बसता है। और इसके अलावा अगर मैं और बातें जानना चाहूँ तो वो ये रहेंगी कि आपका टीचिंग भी हो गया, गाना भी हो गया, और मैं चाहूँगी कि आप मेरे लिए क्यों ना कोई दो लाइनें आप गाएं, मेरे ऊपर कोई दो लाइन आप सुनाएं। बिल्कुल, जैसा आप हैं काफी आप अच्छी लग रही हैं आज जैसे आपने मुझे पहले देखा है। नहीं, आप आज काफी अच्छी लग रही हैं, आई वुड से। हाँ, आप भी काफी अच्छी लग रही हैं मतलब, और वेरी क्लासी लुकिंग। थैंक यू, सो एलिगेंट। थैंक यू। तो नो हमारे काफी सारे गाने बने हुए हैं कि आप कैसे लड़की के बारे में आप गा रहे हो और कैसे उनको इम्प्रेस रिझा रहे हो आप उनको, ठीक है, अपनी ओर खींच रहे हो। हाँ बिल्कुल, आप अपनी ओर खींच रहे हो, उसके लिए गा रहे हो। तो एक आपके लिए गाना बताऊंगी, मेरे माइंड में वैसे काफी 3-4 गाने आपके लिए आ रहे हैं। अरे वाह, लेकिन जो टॉपर है वो सुनना चाहूंगी।
अच्छा आपके लिए एक गाना है जो आपको देख के, ठीक है, अगर आपसे सपोज आपसे कोई पहली बारी मिला है, ठीक है, आप आपको देख के किसी के मन में गाना आ रहा है कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और एक गाना मैं गाऊं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे सावन की बहार मैं भूल जाती हूँ जैसे बरसा की फुहार, जो भी मटेरियल, सो मच ब्यूटीफुल, मतलब कुछ तो है। इट इज द जेस्चर दैट मैटर्स, इट इज द थॉट दैट काउंट्स, सच में। तो आई अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, तो इट्स नॉट द लिरिक्स, हम लिरिक्स लिरिक्स पे नहीं जा रहे हैं, थॉट दैट काउंट्स, या बिल्कुल। और ये बातें भी हो चुकी हैं और मेरे सामने डायरी जो आपकी रखी हुई है, देख रही हूँ ताने भर भर के लिखी हुई है उसमें। और मुझे मेरा टाइम याद आ रहा है कि जब मैं भी व्हेन आई यूज्ड टू लर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ज़्यादा नहीं सीख पाई लेकिन सीखा जितना भी, तो तानों में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। oh. वो अचानक मतलब इतना फास्ट मुझसे तक हुआ ही नहीं कभी, वो खासकर उसमें आकार में ये चीज़ बहुत टफ होती थी मेरे लिए। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे टिप्स दें कि कैसे ये चीज़ डेवलप की जाती है। यू नो हमारे अंदर ना कभी कभी ये होता है कि हमसे अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है ना, वी लूज होप, हम बहुत होपलेस हो जाते हैं, हमारा हम पेशेंट नहीं रहते हैं उस चीज़ के लिए। और फिर हम देखते हैं कि सामने वाला तो कर पा रहा है कि सामने और मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो व्हाट्स द मैटर, मतलब मैं क्यों नहीं कर पा रही हूं? हम ये देखते हैं कि सामने वाले ने परफॉर्म किया है, मैं सेम क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे उसकी कितने सालों की मेहनत है। हम मेहनत देखना भूल जाते हैं, हो सकता है कि वो आपसे एक पीछे वाले लेवल पे और वहां से वो उभर के आया है, उसने उसका उसमें अपना टाइम दिया है, पेशेंट रहा है, होपलेस नहीं हुआ है। तो टाइम, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसिस्टेंसी। आप वही रियाज कर रहे हो, आपको डेली रियाज करना है आपका, आप मॉर्निंग में रियाज कर रहे हो, इवनिंग में कर रहे हो, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। व्हाट वी डू इज वी आर नॉट कंसिस्टेंट, वी लूज होप कि हमसे नहीं हो पा रहा है, मे बी इट इज नॉट मेंट फॉर अस। Nobody is born a singer, है ना, कोई भी पैदा नहीं होता है उस अच्छे गले के साथ। इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स एफर्ट्स, आवाज बनाने में टाइम लगता है। तो हम पैदा नहीं होते उस चीज के साथ, हम बनाते हैं अपने आप को, और हर फील्ड में हम अपने आप को बनाते हैं। कोई भी सिंगर पैदा नहीं होता है, कोई भी डांसर पैदा नहीं होता है, वी मेक आर सेल्स, हम अपने आप को फॉर्म करते हैं ना, वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आर ओन लाइव्स। तो हम अपने आप को बनाते हैं, बनाते हैं, हाँ। तो एज अ सिंगर मैं जरूर, और मैं भी क्योंकि मेरा भी वॉइसिंग का काम है, तो मैं जानना चाहूंगी सिंगर भी हूँ थोड़ी बहुत। बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, थैंक यू। तो कुछ टिप्स दीजिए, मतलब वोकल को अच्छा रखने के लिए, आवाज़ को और अच्छा बनाने के लिए, निखारने के लिए, जो आप करते हो। जी मैं एक्चुअली, अच्छा सबसे बड़ा पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि हमें लगता है कि हमें अगर गाना है तो हमें कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, कुछ हमें खट्टा नहीं खाना चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए, आइसक्रीम छोड़ देनी चाहिए। इट इज़ कि हमें ध्यान रखना चाहिए उन चीज़ों को, लेकिन ये नहीं कि अगर सपोज कि मुझे बहुत पसंद है वो चीज़, अब ये नहीं कि मैं बिल्कुल गिव अप कर दूंगी उस चीज़ को। मेरे गुरु जी कभी ये नहीं बोलते कि आप अपनी पसंद की कोई चीज़ छोड़ो, इट इज़ कि आप एफर्ट्स करो उस चीज़ के लिए, आप उस चीज़ को, आप हमारी बॉडी इज टेम्पल, आप उस चीज को जिस चीज की आदत डालोगे अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी वैसे ही फॉर्म हो जाती है। तो आप अपनी बॉडी को आदत डालो उस चीज की, है ना, कि आपको अगर कैसे भी सर्कमस्टांसेस में गाना है तो आप गाओगे, ठीक है। और यू नो म्यूजिक के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि टिप्स इज पेशेंस, अगर आप सिर्फ सा का रियाज कर रहे हो, यू हैव टू बी पेशेंट कि आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा सिर्फ सा का लगाते रहो, हाँ, क्योंकि यू नो सा इज, ये एक होता है ना कि आप घूम फिर के हमेशा आते अपने घर पे ही हो, तो सा इज लाइक आवर होम,
हाँ, कि दिस इज आवर होम, कि हमें घूम फिर के हमारा बेस जो है हमारा घर है, हाँ, तो हमें उस चीज पे रहना है, अपने घर के पास रहना है, तो सबसे पहले हम वहां से शुरू करें. तो वी हैव टू बी पेशेंट कि आप अपने सा का रियाज करो, अपने बेसिक्स का रियाज करो. जितना हमारा बेस स्ट्रांग होता है आपका सुपर स्ट्रक्चर उतना ही सॉलिड बनता है, बिल्डिंग उतनी ही सॉलिड रहेगी जितना स्ट्रांग उसका बेस रहेगा. तो व्हाट वी डू इज हम गाने को देख के उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि उसने अगर ऐसी तान ली है ना तो मुझे भी ऐसी लेनी है. हाँ, मैं भी सेम तान लूंगी और वही सेम चीज मेरे गले से निकल जाएगी. लेकिन वी फॉरगेट कि हमें बेस बनाना होता है अपना. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आपके बेस पे ध्यान दो. आप किसी और को देख के डू नॉट फील इनसिक्योर. नहीं नहीं नहीं, कि हमारे अंदर आजकल बहुत जल्दी इनसिक्योरिटीज आ जाती है कि उससे हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही, वो इतना अच्छा कर रहा है और आई एम डूइंग नथिंग. राइट, कि मुझे लगता है कि बिठा लेना चाहिए कि नहीं मैं भी कर सकती हूं. बिल्कुल, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड. हाँ, कि हम इतना यू नो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमारे अंदर आ जाते कि हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा, इतने होपलेस हो जाते हैं हम. बट प्रिपेयर योर माइंड, हमारा माइंड प्रिपेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले, है ना. अगर आपका मन किसी काम में नहीं, अगर आपका दिमाग उस काम में नहीं लग रहा है तो आप नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर होके उस चीज पे फोकस करना है. सबसे पहले हमें अपना माइंड प्रिपेयर करना. अगर आपके माइंड में है दैट यू कैन डू इट, अगर मेरे माइंड में है कि हाँ मैं आज ये पूरी तान मेरे से हो जाएगी, आज मुझे ये सिर्फ तान करनी है पूरी, तो आई वुड स्टार्ट इट कि उसमें उसको स्लो करने की कोशिश करूंगी. एकदम से फास्ट नहीं होती है किसी से भी, यू हैव टू स्टार्ट टेक इट स्लो. तो आप स्लो करो उस चीज को, धीरे धीरे आप उसकी रिदम बढ़ाओ. विलंबित लय में गाओ. हाँ, आप विलंबित से स्टार्ट करो. आप मध्य पे जाओ, आप द्रुत पे जाओ. तो ऐसे आपसे तान होती है वो, कि आप धीरे धीरे उस चीज की रिदम बढ़ा रहे हो. बिल्कुल. हाँ, तो इसी बात पे अब आपकी लाइव परफॉर्मेंस का टाइम हो गया जी. अब मैं चाहूंगी कि आप ताने मुझे जल्द जल्दी द्रुत लय में परफॉर्म करके दिखाएं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इट्स अ प्लेजर, मतलब ये सुनना भी ना सच में इट्स अ फॉर्म ऑफ थेरेपी. बिल्कुल, एंड आई कंसीडर इट एज थेरेपी. मैं भी सेम. बिल्कुल, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बट हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है, फर्स्ट थिंग वी रन टू इज म्यूजिक. म्यूजिक, कि हमें गाना सुनना. वैसे गाना सुन लिया तो फिर वो टेंशन खत्म. बिल्कुल, अगर हम भक्ति के मूड में हैं तो हम भजन सुनेंगे. भजन सुनेंगे. अगर आपका कोई डांस करने का मन करा, आप पार्टी सॉन्ग सुनोगे. हाँ, तो आपको पार्टी सॉन्ग चलते हैं. अगर आपको बस सूदिंग, अगर आपको बैठ के उसको एंजॉय करना, आप गजल सुनोगे. तो म्यूजिक इज समथिंग की आपकी हर मोमेंट पे साथ है आपके, है ना. और हम हमेशा ये साथ ढूंढते हैं, हमेशा एक इंसान, एक ह्यूमन सोल, वो हमेशा एक साथ ढूंढती है, सपोर्ट ढूंढती है. और म्यूजिक इज समथिंग जो आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और वो सपोर्ट कभी नहीं छोड़ेगा. बिल्कुल, आपका साथ वो कभी नहीं छोड़ेगा. आप उसका साथ बना के रखो, वो आपका साथ देगा, है ना. हाँ जी, तो अब मैं गाने जा रही हूँ राग वृंदावनी सारंग. क्या बात है, मेरा भी फेवरेट है. अरे वाह. कि लंग रहियां हम संग ना करो, मनमोहन प्यारी नंद के छैल. इट इज कि हमें कभी कभी समझ नहीं आती है वो चीज कि आप क्लासिकल में क्या गा रहे हैं. तो इट इज लंग रहियां हम संग ना करो, नंद के छैल, मनमोहन प्यारे. ठीक.
लंग रैया हम संग ना करो, लंग रैया हम संग ना करो, मन मोहन प्यारे नंद की छैन, मन मोहन प्यारे नंद की छैन, लंग रैया हम संग ना करो, राम दास के मोहन प्यारे, राम दास के मोहन प्यारे, अब अमृत रोको ना गे, लंग रैया हम संग ना करो, लंग रैया लंग रैया ना लंग रैया संग ना करो, लंग रैया हम संग ना 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 करो, लंग रैया लंग रैया हम संग ना लंग रैया हम संग मारे सने सारे मारी पमारे संग रैया हम संग नि सारे मारे सारे मारी पम बनी सारे मारे सारे 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 मनी पम रे मारे सा पमारे मारे सा पमारे संग रैया हम संग ना करो, मा बनी सारी सानी सानी पामा बनी नी सा सानी बनी पामा पामा रे मारे सलंग रैया हम संग ना करो, लंग रैया हम संग ना करो, लंग रैया हम संग ना ना करो, राम दास के मोहन प्यारे, राम दास के मोहन प्यारे, सानी 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 बामानी ने सा सानी मारे मा बामा बनी बनी सा, राम दास के मोहन प्यारे, सानी 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 बनी बामा बामारे मने सा सानी मामा बाबा मामा बाबा नी ने सा सा, राम दास के मोहन प्यारे, अब अमरी तुम रोको ना गेल, लंग रैया हम संग ना करो, लंग रैया हम संग ना करो, लंग रैया हम संग ना करो, जाऊं मैं तो बेबली
बलिहारी, जाऊं मैं तो भी बलिहारी, तू ही मेरो मन हर लीनो, तू ही मेरो मन हर लीनो, जाऊं मैं तो भी बलिहारी, जाऊं मैं तो भी बलिहारी, गरीब की इच्छा पूरी कर दो, गरीब की इच्छा पूरी कर दो, तुम हो गरीब नवाज, तुम हो गरीब नवाज, जाऊं मैं तो भी बलिहारी, जाऊं मैं तो भी बलिहारी, जाऊं मैं तो भी, जाऊं 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 मैं तो भी, जाऊं मैं तो भी बलिहारी, सजा नी जा रे मा बाबा मा बड़े मा बनी, सजा सजा नी बा मा बनी बा मा मरे सा मा मरे सा, जाऊं मैं तो भी बलिहारी, नी जा रे मा बनी सजा बनी जा रे मा नी सजा सजा नी जा नी बा मा बनी बा मा बा मरे सा सा, जाऊं मैं तो भी बलिहारी, बनी सारे 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 मा पा मा ग्रे मारे सा, जाऊं मैं तो भी बलिहारी, बनी मा बनी मारे सानी सारे मा बनी सा, जाऊं मैं तो भी बलिहारी, जाऊं मैं तो भी बलिहारी, मा बनी नी 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 सानी सजा नी सजा नी सजा नी सजा नी सजा सजा नी नी बाबा मामा बनी नी सजा मामा बाबा नी नी सा मा बनी नी सा, जाऊं मैं तो भी बलिहारी, 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 गरीब की इच्छा पूरी कर दो, गरीब की इच्छा पूरी कर दो, मबनी नि सा सा मबनी मबनी नि सा सा मबनी मबनी सा, गरीब की इच्छा पूरी कर दो, सरी नि सा पनी मब पनी नि सा मबनी मबनी नि सा सा, गरीब की इच्छा पूरी कर दो, जाऊं मैं तो भी बलिहारी, जाऊं मैं तो भी बलि, जाऊं मैं तो भी बलि, जाऊं मैं तो भी
बले हरे। क्या बात है, क्या मुझे बोलने की कुछ जरूरत है। थैंक यू, ब्यूटीफुल, थैंक यू। ओह माय गॉड, मेरे पास शब्द नहीं है, एंड गूज़बम्स है बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात, नो इट इज माय प्लेजर कि मुझे आज परफॉर्म करने का मौका मिला है आपके चैनल पे। आई एम ग्रेटफुल टू यू, आपने मुझे बुलाया कि हमें सुनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये थेरेपी फ्री में नसीब होती नहीं है, क्योंकि और इतना अच्छा आर्टिस्ट हमारे सामने जब हो तो क्या बात है। और क्या आप इतना अच्छा गाते हैं, आई वुड एनकरेज यू कि आप भी और गाए। आई वुड एनकरेज यू, एक गाना साथ में गाते हैं, क्या कहते हैं आप बताइए, कौन सा बॉलीवुड का कोई गाना, क्योंकि राग तो मैं शायद मैं भूल चुकी हूँ कि क्या थे, लेकिन बॉलीवुड आई कैन सिंग। हाँ, एक कबीर सिंह मूवी का काफी अच्छा गाना है, कैसे हुआ, तो लेट अस सिंग इट टुगेदर। ठीक है, ठीक है। मैं बारिश की मैं बारिश की बूंदे समझता नहीं था, हवाओं से आयूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे खबर, कहीं पे है रातें कहीं पे सवेरे, आवारगी रही हाथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नजर, क्या हाल हो गया है अब मेरा, आंखें तेरी हर जगह ढूंढे मुझे बे, ये मैं हुआ कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ। वाह, और मुझे जरूरी होती जा रही है आप, आपकी प्यारी सी आवाज। हम सबको जरूरी है, म्यूजिक जरूरी है, जरूरी है, फिर माथे लगाने वाली बात, बिल्कुल हमें सबसे जरूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ही मेरा इसको छोड़ के जाने का कहीं और मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मतलब क्या कहूं मैं, और फिर से शब्द लेस, वी आर जस्ट थैंकफुल कि हमें आज ये मौका मिला, कि वी आर थैंकफुल कि हमें अपनी नॉलेज, हमारे जो हमारे जो आर्ट है वो हमें किसी और के सामने पेश करने का मौका मिला, क्योंकि एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, एक ऑडियंस, ऑडियंस आर्टिस्ट तब तक एक आर्टिस्ट नहीं होता जब तक ऑडियंस ना हो, है ना, आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाने वाली ऑडियंस होती है, और पता है पैसा भी नहीं चाहिए होता, बस अप्रिसिएशन चाहिए होता है कि मुझे देख के किसी की निगाहों में चमक आ जाए, बिल्कुल इतना ही काफी है कि कोई मुझे देख रहा है, हैप्पी, I made someone happy. Happy. अगर आप किसी को खुश कर पा रहे हैं, हमारे लिए हमारी ये achievement, right? हाँ, it is my biggest achievement कि I made you happy. I made someone calm. बिल्कुल. है ना कि you never know कि कोई किस problem के साथ जूझ रहा है जो नहीं बता पा रहा है. And music is something. Music has that healing power. Healing power. Yeah. तो कि वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमें ये सीखने का मौका मिल रहा है, हमें ये सुनने का मौका मिल रहा है, और संगीत भगवान का दिया हुआ धरती पर सबसे अमूल्य तोहफा है जी, सबसे बड़ा वरदान है, और मुझे लगता है कि हर कोई गा सकता है, हर किसी को अपने गले को तलाशने की जरूरत है, लेकिन जो वाकई में गा रहे हैं आप जैसे लोग जो मुकाम पे पहुंच गए हैं, बहुत बहुत खूबसूरत बात, वहाँ डिफरेंस नहीं होता ज्यादा, वी ऑल आर बाथरूम सिंगर्स, है ना, वो तो है, हाँ, वी ऑल आर बाथरूम सिंगर, वहाँ पे एक से गाने याद भी आते हैं, हाँ, वहाँ पे हमें सब लिरिक्स याद होता है, सब याद आता है, और खुल के गाने का मन करता है, बिल्कुल, हमें वहाँ पे सब लिरिक्स याद होते हैं, इट इज कि हम वहाँ से चेंज आता है जब हम वहाँ बाथरूम सिंगर से निकल के उस चीज को पैशन, उस चीज के लिए पैशनेट हो जाते हैं, उसका आप वहाँ से निकल के हॉबी बना रहे, हॉबी से प्रोफेशन बना रहे हो, मेहनत करते हो उसके लिए, जीते हो उसके लिए, हाँ जी। तो एक प्यारा सा मैसेज जो आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को आज के दिन की खूबसूरती को और बढ़ाते हुए, थोड़ा सा संगीत वैसा, हाँ, दिन आज वैसे ही आज दिन बहुत अच्छा है, मेरा मैसेज अपनी ऑडियंस को सिर्फ ये है कि आजकल हम जिंदगी में इतना भाग दौड़ करने लग गए हैं कि हम भूल गए हैं कि जो
ब्यूटी होती है. ब्यूटी इज इन द लिटिल ब्यूटी राइट. सब चीज में ब्यूटी है. हाँ एग्जैक्टली. ब्यूटी इज इन द लिटिलेस्ट ऑफ द थिंग्स. कि हम ये सोचते हैं कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर जाऊं उसके बाद कुछ होगा. नो मेरा एक बार ये एग्जाम क्लियर हो जाए, मेरे मैं ये क्वालिफाई कर जाऊं, मेरी ये जॉब तब जाके हैप्पीनेस मिलेगी. तब जाके हमने अपनी हैप्पीनेस को इतना कंडीशनल कर दिया है ना. कि एंड हैप्पीनेस इज समथिंग दैट शुड नॉट बी कंडीशनल. इट शुड बी जस्ट विद इन यू. और हम आजकल उसका मतलब ही भूल गए. व्हाट इज हैप्पीनेस? इज दिस नॉट एन एनवायरमेंट वेयर यू आर हैप्पी? हम वो चीज भूल गए हैं. वी हैव फॉरगॉटन टू बी ग्रेटफुल. जो हमारे पास है हम ग्रेटफुल होना भूल गए हैं. कि वी आर आर्टिस्ट, वी आर और वी आर वर्किंग समवेयर. कि यू नो दिस इज अ जॉब दैट वी प्रेड फॉर. बिल्कुल. तो फिर हम क्यों उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं है? वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर द लिटिल थिंग्स. कि आज आपको आपका फेवरेट खाना खाने को मिला है, है ना? फेवरेट चीज देखने को मिल रही है. हाँ, कि आपने आज अपनी फेवरेट मूवी देख ली, आपने फेवरेट सॉन्ग सुन लिया. हम उस हैप्पीनेस को भूल जाते हैं, है ना. और वही जैसे अगर हम बच्चों को देखते हैं कितना खुश होते हैं वो, अगर उन्होंने एक गेम खेल लिया है और वो उसी में कितना खुश हो जाते हैं कि वाओ आज मैंने अपना फेवरेट गेम खेला है. तो बड़े होते होते हम क्यों वो छोटी चीजों में अपनी हैप्पीनेस ढूंढना भूल बंद कर देते हैं, राइट? तो हम आजकल और सभी इसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं. हम इतना स्ट्रेस्ड रहते हैं अपनी लाइफ में, हम भूल जाते हैं कि वी शुड अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स. कि आप उन चीजों को अप्रिशिएट करो. तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकालो. आप अपनी लाइफ में 24 घंटे में एक घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं. बिल्कुल, निकालना चाहिए. व्हाई नॉट? अगर आपको एक घंटा आपका कोई पैशन है, सपोज आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, आपको डांसिंग अच्छी लगती है, आप अपनी जॉब से निकल के सिर्फ एक घंटा अपने लिए निकाले. एक घंटा वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है. नॉट की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब हर इंसान के पास है, लेकिन एक चीज जो आपको उनसे अलग करेगी कि आप अपनी जॉब पे एक है कि आप स्ट्रेस्ड होके जा रहे हो, एक है आप खुशी खुशी जा रहे हो. तो व्हाई नॉट बी हैप्पी? जो लाइफ है हमारी इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसको सिर्फ स्ट्रेस में ही निकाल दें. तो इट इज माय अर्ज कि व्हाई नॉट बी जस्ट हैप्पी? व्हाई जस्ट एग्जिस्ट? व्हाई नॉट बी हैप्पी? वी आर जस्ट एग्जिस्टिंग, वी फॉरगेट टू लिव. तो वी शुड बी लिविंग. ठीक है, वी आर अलाइव. इट इज अ ब्लेसिंग दैट वी आर अलाइव. तो why not enjoy every moment of it, right? Why not live in the moment? Just be in this particular moment. Just live in this moment, okay? और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि gratitude की भावना आप में हमेशा होनी चाहिए. कि जो भी मिला है बिल्कुल बहुत बेहतरीन मिला है, बहुत ब्यूटीफुल मिला है, और आगे और मिलेगा, राइट? बिल्कुल. तो आज के लिए मुझे लगता है कि मजा आ गया. बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, निशब्द, शब्दलेस, और गाना साथ में परफॉर्म किया, अलग ब्यूटीफुल था. अलोन किया, अलग ब्यूटीफुल था. थैंक यू. सच में ब्लेसिंग है. थैंक यू. मजा आ गया. ऑडियंस को भी मजा आ गया. देखो मुस्कुरा रहे हैं. थैंक यू सो मच. और कह रहे कि नहीं छोड़ के मत जाओ, लेकिन दोबारा भी लेंगे ना, जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे. लास्ट थैंक यू मेरा ऑडियंस के लिए है कि आप सब सुन रहे हैं इस चीज को, आप हमें देख रहे हैं. तो लास्ट थैंक यू मेरा, क्योंकि ऑडियंस इज आवर जज. ठीक है, हमारी ऑडियंस ही है जिन्हें हमें प्लीज करना होता है. हाँ, तो लास्ट थैंक यू हमारा ऑडियंस के लिए ही है. तो मेरी ओर से भी और लक्षा की ओर से भी थैंक यू. और हम दोबारा भी फिर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और नया नया गाना, सूदिंग सा, हीलिंग सा, आपको ऐसे चीयर अप करने के लिए बिल्कुल आते रहेंगे. बाय बाय. बाय बाय. थैंक यू. नमस्ते. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल. सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन.